आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर जिले के नगर के बाईपास जोकैया पर मूल सुविधाओं का भी टोटा है। जोकैया बाईपास पर यात्रियों के बैठने का ना तो कोई यहां बेंच या बिजली और हैंडपंप खराब होने से लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, शौचालय की सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। जाड़ा हो या भीषण गर्मी, खुले आसमान भीषण धूप में रिक्शा का इंतजार करना पड़ता है। बैठने के लिए बेंच नहीं है और ना ही भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए ना पानी की व्यवस्था। नगर के बीचों बीच स्थित बाईपास जोकैया पर ही यात्रियों की अधिक भीड़ रहती है, लेकिन कोई सुविधाएं तक नहीं मिल पाती। भीषण गर्मी में हैंडपंप खराब होने से लोग पानी के लिए भी भटक रहे हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को बोतल के पानी से ही प्यास बुझानी पड़ती है, ना तो कोई शौचालय की व्यवस्था है। राहगीरों का कहना है भीषण गर्मी में इतना पानी पीने का कोई सहारा ना तो यहाँ पर कोई बैठने का स्थान ही है, ना शौचालय बना हुआ है। राहगीरों का कहना है बड़े बड़े नेता आते हैं और चले जाते हैं, शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन की ना तो कोई लाभ मिल पाता है, ना कोई व्यवस्था। बाईपास चौराहे पर ना तो कोई सुविधा नहीं है। न्यूज 9 भारत के लिए प्रमोद पांडे की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।